गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 8:30 और हम लोग 8 बजे उठ गए थे। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी रिद्धु, रिद्धु राधे राधे बोलो, जोर से बोल राधे राधे। हाँ, रिद्धु का सबको राधे राधे। और पीछे से देखो बादल कैसे हो रखे हैं, आज पूरा मौसम खराब हो रखा है, तो इसी वजह से ना ठंड से नींद भी नहीं खुल रही थी। तो अभी हमने सुबह की चाय भी पी ली है मस्त करके, तो आज हमें घर भी जाना है। तो शायद दिन में हम फिर से पांडव देवताओं के दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और आप लोगों को भी पांडव देवताओं के आशीर्वाद दिलाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे। और रिद्धु तू हंस क्यों नहीं रही, हंस तो, ये चाचू भी देखेंगे। ये ना मेरी दीदी की जेठानी के लड़के, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी दीदी के लड़के है, दीदी की जेठानी के लड़के है ये। तो अभी हम उन्हीं के घर पे आ रखे हैं, तो दिन में जाएंगे हम लोग घर। फिलहाल हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, जो कि आ ही नहीं रही है धूप, है ना रिद्धु, धूप नहीं आ रही है ना। और मेरी कैमरा मैन बनी हुई है मेरी छोटी भुल्ली पांडा, ये देखो ये बनी हुई है मेरी कैमरा मैन, मेरी दीदी का घर है। और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब, क्या व्यू है यहाँ से देखो। ये है सारे गेहूं के खेत, यहाँ पे गेहूं बो रखे हैं आजकल, और मौसम देखो ऐसा हो रखा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकना अगर आएगी तो, उसके बाद चलेंगे हम लोग बाद में दिन में घर को। दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे स्वादिष्ट सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो नाश्ते में है रोटी अरवी, जिसको कि हमारे गढ़वाली में पिंडालू बोलते हैं, और यहाँ पे है चटनी भंग जीरे की, और यहाँ पे चाय भी है। तो इन हसीन वादियों के साथ यहाँ पे मस्त से नाश्ते का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों अभी दिन के लगभग 1:45 बज गए हैं और अभी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। दीदी लोग भी आ रहे हैं नीचे पांडव चौक तक, तो वहाँ पे पांडव देवताओं का आशीर्वाद लेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम लोग घर को चले जाएंगे। और यहाँ पे हैं हमारी सासू जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, ठीक ठाक, सस्ते पानी। तो सासू जी घर पे ही हैं, और यहाँ पे देखो पूरी बारात रेडी हो गई है। ये है बारात, ये देखो। हेलो हेलो, राधे राधे, सरपंच जी, सब ठीक है, कैसे हो, ठीक है। और ये है गुल्ली बॉस, हेलो हेलो। और ये शीतल रेडी हो गई, दीदी भी रेडी हो गई, और यहाँ पे आंटी जी भी हैं हमारी सब्सक्राइबर। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो, ठीक ठाक, ठीक ठाक, नमस्ते, ठीक हो, बढ़िया। चलो आप भी चलो हमारे गाँव, हमेशा बोलो ओणा से नौंदनी। और खाना बन गया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। तो दीदी भी हमारी वीडियोस देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आंटी जी यहाँ पे भेजने के लिए आ रखे हैं, ठीक है, तब हाँ बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, हमारे गाँव में भी आना, ठीक है। और बाकी ये सारे यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, चलो भाई किसका वेट, सरपंच जी आ जाओ, अरे सरपंच जी को आने दो, सरपंच जी आ जाओ, चलो चलो चलो, हाँ आ रही है मम्मी, हाँ तब बोला तब, चलो सरपंच जी आप आगे चलो 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 चलो। तो चलते हैं अभी यहाँ से, क्या बोला, हाँ तक बेटे दर्शन कर, चलो ठीक जी तब, हाँ बाय बाय, ठीक जी सास जी, हाँ हाँ ठीक जी, आया तुम भी आए कब, अरे हाँ ठीक जी तब, हाँ बाय। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पांडव चौक में, और ये शिशु विद्या मंदिर स्कूल है, और इसी का चौक जो है वही पांडव चौक है, यहीं पे स्कूल भी है और यहीं पे पांडव नृत्य भी होता है। यहाँ पे है मंदिर, और आज कहाँ है पांडव देवता, नहाने जा रहे हैं आज सारे देवता लोगों का स्नान होगा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। और जल यात्रा भी आज, तो हम यहाँ पे दर्शन करेंगे और प्रसाद लेंगे यहाँ से घर के लिए, उसके बाद चलेंगे। जय हो पांडव देवताओं की, सब पे कृपा बनी रहे, पांच हो रे दो, पांच हो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं, जो भी बाण जो भी निशान होता है पांडव देवताओं के, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे टीका वगैरह लगा दिया है, चढ़ावा चढ़ा दिया है, क्योंकि सारे जो भी बाण हैं उनको आज नहलाने के लिए ले जाना है, पांडव देवता लोग भी सब नहाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे शुद्धिकरण होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी बाण नहीं रखे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, ये लोग जाएंगे अपनी नगरी में, हम जाएंगे अपनी नगरी में, तुम्हारी बंदरों की नगरी, ये देखो चारों तरफ बंदर ही बंदर, यहाँ पे देखो सुनसान हो रखा अभी, चलते हैं। कल तो भाई यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं थी, है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, छत भी फुल, हाँ छत भी फुल हो रखी थी, इधर से लेकर आगे से लेकर पूरा फुल हो रखा था, लेकिन अभी पूरा खाली खाली हो रखा है, कल भी परसों भी भीड़ हो रही, हाँ परसों है ना लास्ट। तो चलते हैं अभी घर को, चलो भाई, हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, दियो खसन वीडियो, बहुत धन्यवाद, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आया आया, बिल्कुल आया, हाँ ठीक थे, चलो ठीक था, माँ माँ घर से, अच्छा अच्छा आया आया, चल तू बाय, चलो ठीक है दीदी, हाँ बाय बाय, ठीक है यहाँ से इनका रास्ता अलग, ये जाएंगे ऊपर के लिए अपने घर के लिए, हम जाएंगे नीचे के लिए, ठीक है, ठीक है गुली, बाय बाय गाइस।
बाय बाय रिदु, मिस यू, लव यू, ठीक है चलो तुम चाची के साथ आओ। हमारा रास्ता है यहाँ से सीधे नीचे जाएंगे हम, हॉस्पिटल के गेट पे ये रास्ता मिलता है और यहाँ से देखो रुद्रप्रयाग मतलब पुनाड़ बोलते हैं यहाँ के लिए और यहीं नीचे पे आर्मी कैंटीन है, यहीं से चलेंगे हम लोग। दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमें पांडव देवताओं के दर्शन भी हो गए थे क्योंकि रास्ते में वो लोग जा रहे थे ऊपर मंदिर की तरफ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मम्मी के लिए मूंगफली क्योंकि मम्मी की फेवरेट है मूंगफली, तो 1 किलो मूंगफली रखती हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ चल रहा है मूंगफली का रेट कितना कितने रुपये किलो बोला अंकल आपने, कितना 180 रुपये, 180 रुपये किलो। तो हमारे यहाँ 180 रुपये किलो चल रहा है, आप बताओ आपके यहाँ कितना चल रहा है आपके देहरादून में, पता नहीं देहरादून में मैंने खाई नहीं। सब लोग बताना कि किसके यहाँ कितना कितना चल रहा है रेट। हाँ जी नहीं नहीं हम यहीं के हैं, ये देहरादून रहती है ना। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ रुद्रप्रयाग के पुल में और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे आजकल काम चल रहा है पूरा डेंटिंग पेंटिंग का, तो हमारे यहाँ की गाड़ी यहीं लगती है पुल के पार। तो अभी मैं पुल के पार जा रही हूँ और नीचे से देखो अलकनंदा नदी, आजकल पानी का बहाव थोड़ा कम है क्योंकि आजकल बारिश नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं गाड़ी की खोज में, पता नहीं अच्छी सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, पीछे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार सेवे मैक्स में बैठने में, तो कोशिश करेंगे आगे वाली सीट मिल जाए। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। एक बार तुम बहुत छोटी थी, तेरी बहन श्रीनगर, तुम तीन बहनें थी श्रीनगर से आ रही थी। हाँ 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 पढ़ती थी तुम वहाँ? हाँ हाँ मैं देहरादून से आ रहा था। अच्छा अच्छा, मैंने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, नारी जाना है, किसकी लड़की इनकी लड़की। हाँ 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 मैंने कहा था खूब पढ़ाई करना। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, मेरा गांव बेंजी पड़ता है। ठीक है हाँ जी धन्यवाद बोलना तुमने। ठीक है ठीक है बाड़ा जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी बढ़िया सब बढ़िया, ठीक है धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे गढ़वाल में ना बॉडा को क्या बोलते हैं सिद्धू? ताऊ जी। तो उन्होंने बोला कि तूने मुझे बॉडा बोलना है, तो ऐसे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, बहुत 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 धन्यवाद सबका। फिलहाल अभी यहाँ से चलेंगे हम इधर की साइड। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और हमें फ्रंट वाली सीट मिल गई है लेकिन 20 रुपये एक्स्ट्रा देके, यानी कि 40 रुपये एक्स्ट्रा देके। सतेराखाल का किराया है 50 रुपये और वैसे वो चोपता वालों को बैठाते हैं बस आगे वाली सीट में और पीछे वाली में, और सतेराखाल वालों को सबसे पीछे डाल देते हैं वो। तो मैंने उनको बोला चलो यार हम एक्स्ट्रा रुपये दे देंगे, मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको, चोपता का किराया देना पड़ेगा, तब जाके हमें फ्रंट सीट मिली है। क्योंकि पीछे ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है यार सही में मेरी, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तबीयत तो ठीक रहेगी। तो फिलहाल अभी हमें फ्रंट वाली सीट मिल गई, यहाँ पे है मम्मी की मूँगफलियाँ, तो मम्मी खुश हो जाएगी मूँगफली देख के। तो चलते हैं सतेराखाल नारी गांव में, मम्मी लोगों से मिलाएंगे आपको, चाची लोगों से मिलाएंगे, चलते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की रोड पे, नारी वाली रोड पे, और जो जिस गाड़ी में हम लोग आए थे तो वो सतेराखाल तक की थी, उसके बाद वो गाड़ी सीधे जा रही थी आगे चोपता के लिए, तो इसलिए हमें सतेराखाल पे उतरना पड़ा और यहां से हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। और शीतल खा रही है कुरकुरे, हमने दिन से दिन तो है तो हम लोग आ गए थे नाश्ता करके, इसीलिए उसको भूख लगी क्योंकि दिन के खाने का टाइम हो गया है, और मम्मी को भी हमने मना कर रखा खाने के लिए क्योंकि हमने कचर बचर ला रखा है। तो इसलिए चलते हैं अभी, अनमोल तो स्कूल होगा, मम्मी घर पे होगी, तो घर पे जाके मम्मी और टफी से मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली अभी हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं और अपने घर पे आने का अलग ही सुकून रहता है। देखो टफी सबसे पहले पहुंच जाता है हमारे पास, टफी खाओ टफी, अच्छा 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 अच्छा, और मम्मी है ऊपर वाले छत में, अपनी मम्मी से मिलाते हैं आपको। हेलो माते, हियर इज माय मदर। हेलो बेबी कैसे हो? I'm okay. How are you?
फाइन। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? एक दिन भी कैमरा नहीं रहता तो मेरे को पता नहीं क्यों घबराहट सी हो जाती है बहुत ज्यादा, सच में। और मम्मी यहाँ धूप सेक रही थी ऊपर वाले छत में। हाँ, अभी अभी आई दोस्तों, इतना सारा काम था, घास लेके आई, खाना बनाओ, ये करो वो करो, घर का काम, लकड़ी फाड़ी। परेशान हो गई मम्मी काम कर करके, है बहुत परेशान। और गाँव का नजारा देखो कितना प्यारा लग रहा है। शाम को बस सनसेट होने वाला है, थोड़ी देर में यहाँ की पूरी धूप निकल जाएगी। सबसे लास्ट तक रहती है सिल्ली गांव में धूप। मम्मी की सहेलियाँ कहाँ हैं? अरे सहेलियाँ भी इधर उधर अभी जा रहे हैं हम कहीं ना। कहाँ आ गया मेरे को कहीं अभी पता। मीटिंग चल रही है तुम्हारी कहीं पे? नहीं नहीं, मीटिंग चल रही है, कहीं जा रहे हैं काम से। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट, कोई बोलता है आंटी के लिए हिंदी में लिखते हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इतने अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं आप लोगों के। और आप बोलते हो आपकी खूबसूरती का राज क्या है, लाल गालों का क्या राज है। दोस्तों आपके कमेंट है और मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं जो मुझे इतनी खुशी देते हैं, प्यार देते हैं, वही मेरी दुनिया है। मुंह लार के एक किलो कोई बात नहीं, वो किलो को उतारते रहते हैं। अरे हमारा टपली है, टफी ले ले ले। एक बात दूसरी, उस बहन ने बोला था मेरा नाम लेना, बोल परसों मेरे को वीडियो कॉल आई थी। अच्छा, क्या नाम? मेरा फोन भी फोड़ेगा, मेरा चश्मा भी तोड़ेगा साला। हम तो उसने मेरे को फोन किया, वीडियो कॉल की, हमारी बहन है, उसकी दीदी रहती है, हमारी दीवानी की बहन है वो, तो मंजू, मंजू है उसका नाम, ससुराल में उसे शीतल बोलते हैं, और मंजू शर्मा। तो बहन बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, इतना अच्छा व्यवहार है आपका, क्या बताएं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए और आप इतने बेचैन हो रखे थे मेरे से बात करने के लिए। मोनिका भी घर पे आ गई तो मोनिका से भी बात कराएंगे। बिल्कुल, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए अच्छे कमेंट करते हैं। ऐसे ही प्यार, खास करके मेरे को बोलने थे पहले, खास करके दोस्तों मुझे हिंदी में लिखना पढ़ना आता है, अंग्रेजी में नहीं आता दोस्तों, मैं अनपढ़ हूँ क्या करूँ। तो जो मेरे हिंदी में लिखते हैं दिल से धन्यवाद। और कई ये होता है, ये थोड़े बोलूंगी मैं हिंदी में ही लिखो, किसी को हिंदी लिखना भी नहीं आता है, वो अंग्रेजी में खूब ठीक है, तेज है लिखने में। तो दोस्तों फिर भी कोशिश करना, और कुछ नहीं आवा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मम्मी के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारा टफ है ना, ये परेशान करने पे लगा हुआ है, देखो ये आ जा आ जा आ जा आ जा। टफली टफली, कैमरा फोन थोड़ी जाते हैं। तो चलते हैं अभी नीचे, किसी ने भी कमेंट किया था, मुझे तो कमेंट ने थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहे हैं। किसी ने बोला था तोर की दाल कब बोनी है, तो बहन तोर की दाल हमारे यहाँ तो हम चैत बैसाख में बोते हैं, तो आपके यहाँ पता नहीं कब बोते हैं, तो चैत या बैसाख में बोना, या तो अप्रैल में या तो मार्च अप्रैल में बोना। ठीक है, तो दोस्तों चाहे कहीं भी चले जाओ ना, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जो सुकून अपने घर पे आने पे होता है ना, वो कहीं भी नहीं है कसम से। चाहे मतलब कहीं भी चले जाओ ना, अपने घर में आओ, सारी थकान मिट जाती है, इतना अच्छा लगता है। तो वैसे अभी मुझे लग रहा है, तो मैं उन लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ जो जॉब के लिए बाहर रहते हैं, अपने गांव को छोड़ के रहते हैं साल साल भर तक, तो उनको कैसा लगता होगा। मैं एक दो दिन के लिए भी बाहर चले जाऊँगी ना, मेरे को ऐसा कबलाट होता है ना, सही में मैं बोलती हूँ मैं अपने घर पर कब जाऊँगी। तो फिलहाल अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर पर आके मस्त करके चाय पियेंगे, अदरक वाली नहीं तो अदरक वाली चाय बनाएगी मम्मी। ठीक है, मैंने ला रखे हैं ब्रेड पकौड़े, मस्त अपने घर की चाय का अलग ही मजा है। एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, मुझे ना चाय हर जगह की पसंद नहीं आती है कसम से। परसों जब मैं रुद्रप्रयाग गई थी ना, तो मैंने मार्केट में चाय पी थी, इतनी मीठी चाय थी ना, मुझे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। भले तुम मुझे फीकी चाय दे दो, मुझे हल्का मीठा चाहिए। तो मेरी पसंद की चाय ना बहुत कम लोग बना पाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर घर में ही चाय पीती हूं। किसी घर में जाएगी ना, पहले मेरे को जैसे वो चाय देंगे, बोलती मम्मी पहले तू चख, अगर मीठा ज्यादा होगा तो मैं नहीं पीऊंगी। हां, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी भी अगर ज्यादा मीठी चाय होगी ना, मैं मुंह में रखूंगी ना, मेरा पूरा मुंह खराब हो जाता है। कभी आपके यहां आएगी तो इसको फीकी चाय देना, मतलब ऐसे हिंट दियो तने में क्या था बोलो, मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं कभी आप लोगों के घर पे आती हूँ तो मेरे लिए मीठा थोड़ा कम डालना चाय में, बेशक आप लोग पहले निकाल लेना, मतलब मेरे लिए पहले निकाल लेना। और दोस्तों वो वाला कमेंट नहीं किया था उसने ड्रामा, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे, मुझे इतनी खुशी मिली कि आप लोग कितना ख्याल रखते हो हमारा, दिल से धन्यवाद, कितना धन्यवाद करूँ मैं आपका। मेरा कंधा भी थक गया, मैंने बैग भी नीचे नहीं रखा, मम्मी चाय बनाएगी मस्त अदरक वाली, ठीक है, मेरे टाइप की कम मीठा वाला। शर्म लाज नहीं था, मां बोलूंगा शर्म लाज नहीं, बस थोक लगी बाजार में। ब्लॉग बहुत बनाना मुन गढ़वाल ब्लॉग, फिलहाल तो मैं चाय पी मस्त करी है अदरक वाली चाय।